इस बीच खबर है कि अब से कुछ ही घंटों बाद धरती से सौर तूफान टकरा सकता है। यह दावा अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से किया गया और यह कहा गया कि सौर तूफान सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और वो अब से कुछ ही घंटे बाद पृथ्वी से टकरा सकता है। इस बात की पूरी संभावना जताई गई कि रात को यह सौर तूफान धरती से टकराएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि सूरज की सतह पर विस्फोट होने से धरती पर गर्मी का प्रकोप तो नहीं देखा जाएगा, लेकिन जो ताकतवर जियोमैग्नेटिक वेव्स विस्फोट होने के बाद निकलेंगी उनका असर जरूर पृथ्वी पर पड़ सकता है। अगर सौर तूफान धरती से टकराता है तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब सकती है और कुछ देर के लिए इसका असर सिग्नल ट्रांसमिशन पर भी पड़ सकता है। मतलब ये कि पूरे विश्व में GPS सिग्नल ठप हो सकते हैं। आशंका तो यहां तक जताई गई कि अगर ऐसा हुआ तो सैटेलाइट और मोबाइल फोन के सिग्नल समेत तमाम सिग्नल सिस्टम भी काम करना बंद कर देंगे। यहां तक कि पूरी दुनिया पर रेडियो ब्लैकआउट का खतरा भी मंडरा सकता है। और ये पहली बार नहीं है जब धरती सौर तूफान का सामना करेगी। इससे पहले भी दुनिया में कई बार सूरज से उठे तूफान की घटनाएं होती रही हैं।